एशियन क्रिकेट के लिहाज से ये एक अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर इसलिए क्योंकि एशिया कप का आधिकारिक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है और एशिया कप इस साल 31 अगस्त से लेके 17 सितंबर तक खेला जाएगा। और अभी अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जो ईमेल किया उसके हिसाब से जो पाकिस्तान मांग रहा था, यानी कि हाइब्रिड मॉडल, पाकिस्तान होस्ट है लेकिन पाकिस्तान चाहता था एक हाइब्रिड मॉडल हो जहां पर पहले 4 मैचेस इस टूर्नामेंट के पाकिस्तान में हो, बाकी मैचेस वो चाहते थे न्यूट्रल वेन्यू में, उस चीज़ के लिए अग्रीमेंट हो गई थी। हालांकि पाकिस्तान पहले ये कह रहा था कि सारा एशिया कप पाकिस्तान में हो, फिर उन्होंने कहा चलिए ठीक है हाइब्रिड कर देते हैं, कुछ मैचेस पाकिस्तान में कराए जाएं और कुछ मैचेस जो है वो चाहते थे कि दुबई में हो, दुबई तो नहीं लेकिन श्रीलंका को वेन्यू दूसरा अनाउंस किया गया। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक अच्छी सेटलमेंट है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी इसमें इज्जत रह जाती है क्योंकि वो हाइब्रिड मॉडल के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने कहा था कि हाइब्रिड मॉडल में कुछ मैचेस जब पाकिस्तान में हो जाएंगे तो फिर ये एक मैसेज भी जाता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो सकती है। और चूंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं जा सकता था तो उसमें इंडिया का कोई मैच पाकिस्तान में नहीं होगा। तो जो अभी अभी ईमेल आया है मैं उसका आपको बता दूं कि उसमें क्या आया है, क्योंकि थोड़ी देर पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ही ये ईमेल किया है। उन्होंने कहा कि जी वी आर डिलाइटेड टू अनाउंस दैट द एशिया कप विल बी हेल्ड फ्रॉम 31st August टिल 17th of September, यानी कि 18 दिन का ये टूर्नामेंट होगा। एंड विल सी ऑल दी लीड टीम्स, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, 13 मैचेस कुल हैं इंक्लूडिंग द फाइनल। द टूर्नामेंट, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, द टूर्नामेंट विल बी होस्टेड इन अ हाइब्रिड मॉडल विद 4 मैचेस बीइंग हेल्ड इन पाकिस्तान एंड द रिमेनिंग 9 मैचेस बीइंग प्लेड इन श्रीलंका। तो जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता था 4 मैचेस जो हैं वो इस टूर्नामेंट का आगाज पाकिस्तान से होगा, उसमें पाकिस्तान का अपना मैच भी है और बाकी टीमों के मैच, इंडिया का मैच नहीं है पाकिस्तान में। उसके बाद एज इट इज वो कारवां उठेगा और श्रीलंका आ जाएगा जहां पे फाइनल को मिला के 9 और मैच खेले जाएंगे। उसमें ये लिखा है कि जी 2 ग्रुप्स होंगे जो हमेशा होता है, विद 2 टीम्स फ्रॉम ईच ग्रुप क्वालिफाइंग फॉर दी सुपर 4 स्टेज, यानी कि हर ग्रुप से 2-2 टीमें सुपर 4 में जाएंगी। द टॉप 2 टीम्स फ्रॉम दी सुपर स्टेज फॉर सुपर 4 स्टेज विल देन फेस ऑफ इन दी फाइनल। बिल्कुल जो पिछला एशिया कप दुबई में हुआ था उसी तरह से है। एंड ये मुझे लगता है कि इम्कान बढ़ जाते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पिछली बार हमने 3 मैचेस एक्सपेक्ट किए थे, 3 मैचेस होप किए थे लेकिन 2 ही हो पाए थे। क्यों? क्योंकि लीग मैच जब इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया और सुपर 4 में आके पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया था, पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया था, इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचा था, वो श्रीलंका जीत गया था और भारत नहीं पहुंचा था फाइनल में। तो इस बार अगर चूंकि ये 50 ओवर का एशिया कप है, वर्ल्ड कप से ठीक पहले है, तो मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान दोनों टीमों के लिए ये एक टसल भी होगा, ये एक तैयारी